चार मिनट बाद ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेक्शन पे ट्रांसफर कर दिए जाओगे अब इन क्वेश्चन को तो करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल सेक्शन भी दिया जाता है जिसमें आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि भाई आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ठीक है जो जो सबसे पहले आपको आपको सेक्शन मिलेगा मिलेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स फिर वन वर्ड मिल सकते हैं देखने को देन सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग ये दोनों आप लगभग एक ही सेक्शन में मान सकते हो तो इसलिए हम इनको टोटल तीन सेक्शन बोलते हैं जो कि बेसिकली चार मिनट चार मिनट और दो मिनट ऐसे डिवाइड होते हैं ठीक है इसलिए ये लगभग दस मिनट का असेसमेंट रहता है बट इसमें जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको इसमें पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ के जानी है कई लोग क्या करते हैं इसे पूरी इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसको प्रिपेयर करने से पहले सो so इसको समझते हैं कि हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं तो सबसे तो 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 पहले फिलिंदा ब्लैंक्स की बात करूं तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं चार और ये जो पांचवा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क होता है वो बेसिकली आपको तब चूज करना पड़ता है जब आपको उसका राइट आंसर नहीं पता हो तब आप ये वाला चूज कर सकते हो ठीक है इसके ज्यादा माइनस नहीं होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर आप कोई पॉजिटिव रिस्पांस देते हो तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लस होते हैं अगर आप गलत रिस्पांस देते हो तो माइनस होते हैं और अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो थोड़े से कम माइनस होते हैं ठीक है सो आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट टेक योर ओपिनियन ऑन दैट तो इसका जो राइट right आंसर है वो है टेक अब इस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि एक तो आप आ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना इसके एमसीक्यू सर्च करो केवल पूरी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपको बहुत सारी वेबसाइट पे एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो नाउ जो आपका सेकंड सेक्शन रहता है वो रहता है वन वर्ड अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके इसको आप बेसिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते आपकी बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है जैसे कि सपोज यहाँ पर एक डेफिनेशन आई टू बार्गेन विद अदर्स फॉर एन एग्रीमेंट एज अ ट्रीटी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जैसे कि जब हम किसी से बार्गेन करते हैं तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेगोशिएट ठीक है तो ये ये आपकी वोकैब जो है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए तब आप इस चीज़ को कवर कर पाओगे और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन को जाके चूज कर सकते हो देन हमारे जो सिनोनिम्स वाले, वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसे सपोज यहाँ पर लिखा है इंटरमीडिएट कॉमन शेयर्ड अब इनसे मिलता जुलता शब्द कौन सा होगा जैसे हमारा बिटवीन होगा मान लो बिटवीन होगा ठीक है तो इसके लिए आपको अपने सिनोनिम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि भाई सिनोनिम्स क्या होते हैं ठीक है थीके? तो आप सिनोनिम्स पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज के लिए देन स्पेलिंग तो स्पेलिंग के लिए भी ऐसी कुछ खास प्रिपेरेशन नहीं है इसके लिए तो आपको खुद को वोकैब आना चाहिए जैसे यार्ड है तो यार्ड की दो स्पेलिंग्स दी है एक तो ये वाली यार्ड है ये वाली यार्ड तो अपन ये वाली चूज करेंगे ठीक है तो अब बेसिकली अगर इनको प्रिपेयर करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जितनी भी वोकैब वोकैब वाली चीज़ें है ना वोकैब वाली वो आप प्रिपेयर करो जैसे कि पहली चीज़ तो फिलिंदा ब्लैंक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है किसी भी वेबसाइट पे जाके दूसरा आपको एंटोनिम से वाली जो चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है एंटोनिम से वाली और आप कुछ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप की चीज़ की वोकेबलरी को प्रिपेयर कर सकते हो तो आपका इसमें काम हो जाएगा तो ऐसा कुछ रहता है इसका इंग्लिश असेसमेंट आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो